जल्दी जल्दी आने वाला भविष्य मुझे के ये पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मशीन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें मिल करके प्रभु का उपस्थिति में प्रभु के भजन को सीखने के लिए अवसर प्रभु ने दिया, मिल करके गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अभी तक अवसर दिया। हम लोग एक समय में बहुत प्रभु से दूर थे, है ना, एक मरा हुआ अनुभव था। उस मरा हुआ अनुभव में से हमें जीवन मिला, है ना। इसका मतलब मृत्यु को पार करवाने वाला औषध क्या है? मृत्यु को पार कराने वाला वो मेडिसिन क्या है, वो दवाई क्या है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? सुसमाचार। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनाया गया जो मृत्यु को पार कर सके, परंतु हमारे पास वो मेडिसिन है, उसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अनंत जीवन पाएगा। देखिए, ये सुसमाचार जो मानव आत्मा में मरा हुआ अनुभव में है। आत्मा में मरा हुआ अनुभव का अर्थ क्या है? आत्मा में मरा हुआ अवस्था में हम लोग जन्म में हम लोग आत्मा में मरा हुआ था, उसका अर्थ क्या है? मतलब आत्मा जिंदा है परंतु परमेश्वर के साथ का संबंध नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मरा पड़ा है, ऐसा नहीं, आत्मा जिंदा है परंतु प्रभु के साथ का संगति। एक्चुअली मृत्यु का अर्थ ही मतलब प्रभु से अलग होना, दूर होना, ठीक है ना। तो बहुत बार लोग वो विषय को भूल जाते हैं, भूल जाने के टाइम पर वो गलत अर्थ निकल जाते हैं, इसलिए सही अर्थ जानना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर विषय क्या है कि हम लोगों को उस मृतक अवस्था से जीवन में लाया सुसमाचार। ओके, अभी यही सुसमाचार है हमें दूसरा मृत्यु से भी बचाता है। यही सुसमाचार हमें दूसरा मृत्यु से या उस आनंद काल की नरक के आग से भी बचाता है। इसका मतलब सुसमाचार हमारे लिए कितना खास बात है, हरेक पवित्र लोग ये जानना चाहिए। हमारे जीवन में यदि हम सुसमाचार का गवाही नहीं देता तो व्यक्ति एक प्रकार मैं आपको बोलूं, है ना, मतलब ये विषय को बहुत ध्यान से सुनना है। जो व्यक्ति अपने आप को क्रिस्ती कहता है और वो सुसमाचार नहीं सुनाता, वो सचमुच में क्रिस्ती नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति कहता है मैं मसीह हूं परंतु वो सुसमाचार नहीं सुनाता, उसको क्रिस्ती नहीं बोल सकता। इसका मतलब वो काम नहीं करना, ऐसे नहीं, परंतु जहां पर भी जाएगा वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा। काम करना है प्रियो, आपको काम करना है, काम नहीं करता तो खाना भी नहीं। प्रेस रहो, बोलने का अर्थ क्या है कि एक बात जानना है प्रियो हमारे जीवन में, है ना, और सुसमाचार सुनाया इतना ही नहीं, उसको आत्मा जीतना ही चाहिए, आत्मा जीतना ही चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमको क्यों अलग किया, ये संदेश थोड़ा थोड़ा गौरव से सुनना है। क्योंकि कई बार क्या है, लोग बोलते हैं कि अपने आप को क्रिस्ती, अभी एग्जाम्पल में बोला है तो एक ही बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है मैं मछुआरा हूं, मैं मछुआरा हूं, 10 साल से एक भी मछली नहीं पकड़ा, 10 साल से एक भी मछली नहीं पकड़ा, वो मछुआरा है क्या? है वो मछुआरा नहीं, वो मछुआरा नहीं, वो ऐसा मछुआरा बोलने से मछुआरा नहीं बनता। मछुआरा है तो मछली पकड़ना चाहिए, मछुआरा है तो मछली पकड़ना ही चाहिए, एक क्रिस्ती है तो वो आत्मा जीतना ही चाहिए, नहीं तो प्रभु का महिमा कैसे होगा हमारे जीवन से? आज प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? महिमा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सुसमाचार ही नहीं सुनाता। जब हम सुसमाचार नहीं सुनाएगा प्रियो, फिर आत्मा कैसे जीतेगा? और जब आत्मा नहीं जीतेगा प्रभु का महिमा कैसे होगा? जब योहन्ना का सुसमाचार 15:8 में प्रभु यीशु मसीह क्लियर बताया, योहन्ना 15:8 मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा,
है, मेरा पिता का महिमा कब होता? तुम बहुत फल लाने के द्वारा, देखा इसका मतलब फल लाने वाले लोग ही चेले लोग है, तो चेलों को ही कृष्ण बोलता है। किसको कृष्ण बोलता? चेलों को। आपको समझ में आया रूट? हम लोग ये बात को थोड़ा ठीक श्रीनी में जानना। आज बहुत लोगों ने बहुत बात को जैसे जानना चाहिए नहीं जाना, थोड़ा कुछ जाना और धोखा कर रहा है, धोखा खा रहा है। हमारे बहुत लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन से प्रभु का महिमा, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजावल हो गए, हम लोग कोई अच्छा काम करके उधार पाया क्या? नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं किया, सब प्रभु ने किया है। लेकिन किसके लिए प्रभु ने हमारा उद्धार किया? अच्छा कामों के लिए। हाँ, ये बात है। ये वो एफेसियों का पत्र, उसका दूसरा अध्याय का 8-9 वचन। हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, बस बस बस, देखिए पहली बात ये जानना प्रियो, हम लोग कोई भी अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, हम लोग कोई अच्छा काम करके उधार नहीं पाया। कोई भी प्रभु को गुस्से में घमंड करने के लिए ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। अनुग्रह से उधार पाया, अनुग्रह भी दान, विश्वास भी दान, सब दान है प्रभु की ओर से ही ये सब कुछ हुआ। तो हमारे जीवन में जो लोग उधार पाया है प्रियो, उधार पाया हो व्यक्ति प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, कितना आभारी होना चाहिए प्रियो, है ना। मतलब हमारा उधार हुआ है तो हमें कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। फिर एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज हम यहां तक आया क्यों आया? प्रभु का प्रेम विवेश किया, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है, मुझे प्रभु की आलोचना पाना है, प्रभु की इच्छा जान करके उसमें आगे बढ़ना है, है ना। ये प्रभु का प्रेम हमको विवेश किया, है ना। हरेक लोग जो सुसमाचार भी सचमुच में कोई लोग सुना सकता है, आपको मैं बताता हूं, जो सुसमाचार नहीं सुनाता इसका मतलब क्या मालूम है? वो व्यक्ति को प्रभु से प्रेम नहीं है, इसका सबूत है वो बात, सबूत बात है। जो व्यक्ति सुसमाचार का गवाही नहीं देता उसको प्रभु से प्रेम नहीं है, और प्रभु का प्रेम उसके जिम्मे कार्य नहीं करता, उस बात का एक सबूत है। अब ये वचन आप ध्यान से पढ़ना, कई बार पढ़ा है लेकिन आज आपको प्रकाश मिलेगा ना। दूसरा कुरिंदी 5 अध्याय उसका 14-21 तक का वचन पढ़ना, हम लोग 14-15 तक पढ़ने के बंदी करता है, ऐसा नहीं, उसका 14-21 तक का वचन पढ़ना। दूसरा कुरिंदी 5 अध्याय उसका 14-21। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा अभी किसको दिया? हमें जो उधार पाए वो लोगों को, जो प्रभु का चेला बिना हमें दिया है। और अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ओहो, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। कितने लोगों को विश्वास है कि मुझको दिया है प्रभु ने मेल मिलाप से? ये कौन करेगा फिर? कौन करेगा? जो जिसका मेल मिलाप हो गया, जिसका उद्धार हो गया, अरे वो वचन प्रभु ने हमें सौंपा है। अभी हमारे कर्तव्य क्या है आगे? हम मसीह के राजदूत हैं। देखा, हम ऐसा ये पद भी सब चाहता है, काम नहीं चाहता है। हम मसीह का
राजदूत है, हम प्रभु का राजदूत बोल करके चार पाई पर सोते रहेगा तो काम मिलेगा नहीं है ना प्रियो, है राजदूत है हमारे पास, प्रभु की ओर से एक संदेश है, हमें वो संदेश लोगों को बताना है, है? हम प्रभु का राजदूत है, ये कोई छोटी पदवी है क्या है? इतना बड़ा नियुक्ति मिला प्रियो, इसलिए आपको बोलता हूं, इससे कोई बड़ी बात है क्या है? प्रभु में आने के बाद में अगर हमें आत्मा का बोझ नहीं है, मैं आपको बोलता हूं वो व्यक्ति का सच्चा उद्धार नहीं हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में अगर आपको बोझ नहीं है तो आप उद्धार पाया है कि नहीं, ये संदेह की बात है। मेरे को बहुत बोझ है प्रिय, मैं इसलिए जगह पर भी जाता हूं, मैं वो देश में पूरा सुसमाचार सुनाने में लौड़ी लेता हूं, भाषा भी नहीं जानता है तो भी मैं आगे भाषा से उनको समझाता हूं और उनका बाइबल से मैं उनका भाषा का बाइबल लेकर जाता हूं और वो बाइबल के वचनों से पढ़ाता हूं, क्योंकि अंग्रेजी नंबर रहेगा तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं और एक साइड में अंग्रेजी में लिखा भी रहता है, तो बहुत बड़ी बात है मैंने ऐसे किया। अपनी आपको बताना चाहता हूं, हमारे को जरूर जो प्रभु में बुलाट पाया है उन लोगों को, यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आया? यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया है ना। यीशु मसीह किसको प्रतिबिंबित किया? यीशु मसीह वाह हमेशा बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। देखो क्यों नहीं कर सकता प्रियो, है जब योगना 5:19 में यीशु मसीह बोलता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। देखो आपसे कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम कुछ कर सकता है, हम लोग कुछ कर सकता है बोलते हैं, इसका मतलब उसको प्रभु में भरोसा नहीं, प्रभु का आश्रय नहीं। देखा यीशु मसीह जीवन भर पिता के आश्रय में, पिता में डिपेंड होकर के जीवन बिताया प्रियो, बहुत बड़ी बात है, आपको यह समझना बहुत जरूरी बात है। ऐसा ही जीवन है मसीह जीवन, हम मसीह में आश्रय करके मसीह को जीने के लिए सीखना चाहिए प्रियो, ऐसे नहीं तो मसीह मसीह उद्धार पाया पाया बोल के धोखा खाएगा। हर एक पवित्र लोग ये जानना प्रियो, हमारे जीवन में आज हर बात में हमको प्रभु से सहारा लेकर के जीना है। मेरे पास ताकत है मैं ये कर सकता हूं ऐसे कभी नहीं सोचना। यीशु मसीह पिता को आश्रय करके जीवन बिताया, इसलिए यीशु मसीह में कौन दिखाई दिया? पिता। आज हमारे भी यीशु मसीह क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम यीशु मसीह पर आश्रय नहीं करता। अभी इसका फर्क मालूम हो गया है प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हुए प्रतिबिंबित करते हुए जीने के लिए हमको प्रभु ने अलग किया। हमें कौन दिखना चाहिए? हम मसीह का पत्र है, बोले का मतलब यीशु मसीह को हमारे में पढ़ने के लिए आना चाहिए, यीशु मसीह को हमारे में दिखना चाहिए। यीशु मसीह जैसे पिता को जिया, पिता को प्रतिबिंबित करके जीवन बिताया, ऐसा मसीह जीवन है प्रियो, है हमें हर बात में प्रेशर बोलो सही से जीता था, इसलिए बोला फिलिप्पियों 4:13 में जो मुझे सामर्थ देता है, मैं मेरे पास सामर्थ नहीं परंतु जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखा आप बताओ, इसलिए उसमें मसीह दिखाई दिया। हमारे जीवन में मसीह दिखना है प्रियो, मसीह दिखना है। देखो हम लोग उधार पाया बोलने से मतलब अगर हमारे भी वो काम नहीं होगा तो, मैं बोला ना एक व्यक्ति बोलता है मैं मछुआरा है पर 10 साल से एक भी मछली नहीं बोला है, वो जाकर के घूम करके वापस आता एक भी मछली नहीं पकड़ा, वो मछुआरा है क्या? नहीं है ना, ये तो फिर मछली पकड़ना चाहिए था है। तो मसीह व्यक्ति अभी हम बोलेंगे हम प्रभु में आकर के 10 साल हो गया 20 साल हो गया पर तो एक भी आत्मा को जीता नहीं, एक व्यक्ति को सुसमाचार दिया ही नहीं प्रियो, हमारे में यीशु मसीह कैसे कहां पर दिखाई देगा? इतना दुख की बात है, शोक करने वाली बात है। प्रभु में आया हुआ उद्धार पाए हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने आत्मा का बोझ दिया और एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया,
कि हम जाकर के ये सुसमाचार सबको देना है ना। सबको देने का काम विश्वास किया हुआ एक विश्वासी होगा, उधार पाया हुआ सबका है प्रयोग। और ये बात अगर हम नहीं बोलेगा फिर उस दिन न्यायाधीश के सामने क्या हिसाब देगा? अनेक लोगों को परखना चाहिए, अनेक लोग परखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत लोगों के जीवन में एक सच्चा गवाही नहीं है, ऐसा एक जीवन नहीं बिताता। मतलब आज इस दौड़ में मैं आपको बोला था सातवां बात आज आपको बताएगा, सातवां बात गवाही का दौड़। हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए? एक अच्छा गवाही का दौड़ होना चाहिए। फिलिपियों का पत्र 3:17 वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:17। जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। प्रियो एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमको एक अच्छा गवाही का जीवन होना चाहिए। यदि एक गवाही के जीवन नहीं मिलाता इसका मतलब वो जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य रहेगा तो जीवन है, वो जीवन में प्रभु चाहने वाला फल नहीं हो सकता। आज बहुत लोगों का जीवन में फल क्यों नहीं? उनके जीवन में गवाही नहीं। जब गवाही नहीं तो फिर फल कैसे आएगा? गवाही होना बहुत जरूरी बात है, अपने जीवन में एक सच्चा गवाही होना, अपने जीवन की गवाही सुनकर के लोग प्रभु में आएगा, ये बात सच्ची बात है ना। जब मेरा उद्धार हुआ तो सबसे पहली बात जो मेरे साथ हमेशा झगड़ता था वही भाई वाले आकर के मेरे से मिला, मेरा अवस्था देख करके वो बोला मुझे भी यीशु मसीह चाहिए, है ना। वो भी प्रभु में आया, अभी वो भी बहुत बड़ा एक प्रभु का सेवक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना ही नहीं, और भी कई लोग आया तो बोलेगा मतलब उस समय से प्रभु अपना काम करना शुरू कर दिया, अपने गवाही के द्वारा बहुत से लोग प्रभु में आया। अपने अगर हमारा गवाही से बहुत लोग प्रभु में नहीं आता तो क्या फायदा अपनी? अपना हमारा प्रेरित पौलुस कहता है कि मतलब तुम क्या करना है, तुम मेरे जैसा चाल चलो। प्रेरित पौलुस जहां भी गया वहां पर मंडलियों को मतलब बहुत से लोगों को मतलब प्रभु में जीता है, मंडलियों खड़ा किया। प्रियो हमें प्रभु कहीं भी भेजता है तो वहां पर प्रभु के लिए आत्मा जीतना चाहिए। एक अच्छा गवाही के जीवन होना बहुत जरूरी बात है, और ऐसा जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु को बहुत दुख है। हमको कहीं भी भेजता है वो सब एक मिशनरी यात्रा समझना चाहिए, है ना। उसमें हमें प्रभु का कार्य करने के लिए उत्साह चाहिए। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि तुम लोग मेरी सी साथ ही साथ इस प्रकार का जो गवाही के जीवन बिताता है उन लोगों को आदर्श में लेना, उन लोगों को आदर्श में लेना। वो बात इब्रानियों के पत्री में भी ऐसा लिखा है 13:7। देखा उनके विश्वास का अनुकरण करो, मतलब उनका जीवन को एक अच्छा आदर्श में ले लो। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में हमें एक अच्छा गवाही के जीवन बिताना, है ना। वो जीवन बिताने में मैं कहां तक आज मतलब विजयी हो रहा है, अपने जीवन में एक सच्चा गवाही के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना है। एक बिना गवाही का आपको मालूम है विजय जीवन का रहस्य ये गवाही है। मैं कल आपको जाते आते बोला था मेरा प्रकाश सभा के 12:11 में अपना गवाही के वजन के कारण देखो शैतान पर विजय पाने वाला एक बहुत बड़ा हथियार है हमारा गवाही। और विरोधी हमेशा हमारे गवाही को तोड़ने के लिए और उसको कलंकित करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन एक गवाह बनने के लिए आपको बहुत समय का मतलब परिश्रम चाहिए, आपको बहुत समय लेकर के आप एक गवाह बन सकता है। और वो गवाही को नष्ट करने के लिए एक सेकंड का भी है, एक सेकंड का भी है ना। अगर आप किसी के साथ थोड़ा भी कुछ झगड़ा हो गया तो आपका गवाही टूट गया। और आप किसी के साथ कुछ जो दुनिया के रीति का कोई शब्द बोलेगा तो आपका गवाही में मतलब वादा आएगा। ये बहुत बड़ा बात है, अपने जीवन में एक गवाही बनकर के जीने के लिए बहुत त्याग चाहिए,
जीवन एकदम एक समर्पण का जीवन है ना। ऐसे जीवन नहीं बिताएगा तो खास करके प्रभु का लोग, प्रभु का लोग दूसरे लोगों की जैसा है ही नहीं। मैं आपको बहुत बार बताने वाला की बात है, कुत्ता मनुष्य को काट रहा तो कोई बड़ी कवर नहीं हो, पर तुम मनुष्य कुत्ते को काटेगा तो वो बड़ा एक कवर है, वो एक बड़ी बात है। वैसे ही बात है, प्रभु के लोग और किसी को कोई मारा या किसी को कुछ गाली दिया बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु के लोग नहीं कर रहे थे ये बात, मैंने संभव नहीं, दुनिया को भी मालूम प्रभु के लोग को नहीं मालूम, लेकिन दुनिया को मालूम, प्रभु के लोग कभी भी दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाने चाहिए। कितना बड़ा बात है हमारे जीवन में ऐसे ही गवाही होना। तो प्रेरित पौलुस का जीवन एक बड़ा गवाही का जीवन था, वो गवाही को हमेशा संभालता था, गवाही को संभालना प्रिय, जितना तक है गवाही को संभालना है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। मेरी सी चाल चलो, देखा है मंडली को बोलता है तुम मेरी सी चाल चलो, मैं विनती करता है मैं कैसे चाल चला, उसका 11 का 5 वचन पढ़ना, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता। देखा कैसे की चाल चलता, वो आप बताओ प्रियो, ऐसे बोलने के लिए कितना हिम्मत चाहिए, ऐसा बोल सकता है क्या, ऐसे नहीं बोल सकता, एक बड़ा फर्क के बाद में बोल सकता है ना। इसको ऐसे बोलने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, मैं मसीह की जैसा चाल चलता हूं, बहुत बड़ी बात है। वही बात अभी हमने जो फिलिपियों 3:17 में पढ़ा, मतलब वहां पर भी प्रभु का दास एक वापस एक पढ़ रहा उसको 3:17 हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, देखा मेरी सी चाल चलो, मतलब मैं कैसे चलता हूं ऐसा चाल चलो, क्योंकि प्रेरित पौलुस को ये बात मालूम है कि मैंने मसीह ने जो दिखाया मैं वही चाल चला। देखा हम लोग निकलने से पहले हरेक लोगों ने आईना देखा होगा ना, पक्का देखा है, ऐसे है तो इधर आने से पहले कितनी लोगों ने भजन भी आईना देखा। आज मैं प्रभु के भजन सुनने की सच्चा तैयारी में है क्या, मुझे देखने वालों को मुझ में मसीह दिखाई देगा क्या है, मैं दूसरे को मिलने के समय में कैसा मिलने वाला है, ये सब हमें पॉजिटिव भी आईना में देखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मतलब प्रभु में आने के बाद में एक सच्चा दौड़ दौड़ना है, और वो दौड़ यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला दौड़ होना चाहिए, हमें अपनी रीति में चलने के लिए व्यवस्था नहीं। प्रिंस पौलुस के जीवन में ये बात को हम लोग बार बार देखते हैं ना, जब मतलब पौलुस का जीवन इतना आदर्शमय था है ना, जब पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय 22 वचन मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना, निर्बलों को मैं खींच करके लाऊ, मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। वाह 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 वा। प्रियो आत्मा का कितना बोझ था, प्रियो आत्मा का कितना बोझ था है ना हमारे जीवन में, यदि हमारे में आत्मा का बोझ नहीं है तो प्रभु में आने के बाद में हरेक पवित्र लोगों में ये बोझ चाहिए प्रियो है। और बात में प्रभु यीशु मसीह के आदर्श को अपनाने के लिए हमें उत्साह चाहिए, क्योंकि मुझमें कौन दिखाई देना चाहिए, मसीह दिखाई देना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ उन आदर्श में चलने के लिए अपने को उत्साह चाहिए, एक अच्छा आदर्श का जीवन बिताने के लिए दाम देना ही पड़ता है, दाम देना पड़ता है। कितने लोग इस रीति में एक आदर्शमय जीवन बिताने के लिए एक अच्छा समर्पण करेंगे, क्योंकि अगर हमारे इस छोटा सा जीवन में हम उस अनंतता का दर्शन में कार्य नहीं किया तो क्या फायदा,
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में, जैसा हमने कई बार पढ़ा तो भी वचन आपका याद है, इसमें रहना चाहिए। योहन्ना उसका 13:15 वचन में, योहन्ना का सुसमाचार उसका 13:15 वचन, देखिए मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। क्यों नमूना दिखाया? जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसा भी तुम भी वैसा, हाँ ऐसा तुम भी किया करो, तुम भी किया करो। देखा, मैंने जो किया वैसा तुम भी किया करो। भैया यीशु मसीह ने हर बात में हमें आदर्श देकर गया। आज मैं मसीह जीवन बिताता है, परंतु प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर मैं जीवन बिताता है क्या है? ये बात तो हमें परखना चाहिए कि नहीं। हम प्रभु में मिलावट पाने के बाद में इतना तो परखना चाहिए ना भैया, है ना? जब वही बात वाला पत्रोस दूसरा अध्याय के 21 वचन, देखा कोई संदेह नहीं इसमें। वो वचन बोलता है तुम इसी के लिए बुलाया गया। देखो किसके लिए? देखा, तुम्हें एक आदर्श देकर गया। मसीह भी दुख उठाते हुए, मसीह ने दुनिया में आकर के आलिशान जीवन मिलाया ऐसे नहीं, दुख उठाते हुए तुम्हें एक आदर्श देकर गया कि तुम उसके पर चिन्हों पर चलो। देखा, ये बुलाहट, ये जीवन की व्यवस्था कितने लोगों को ध्यान देता है, है? मैंने इसलिए आपको पीछे दिन में भी बताया, हमारे यीशु मसीह का जीवन देखो प्रियो, दिन भर पिता का काम, पिता ने भेजा हुआ काम करता था, और रात को प्रार्थना में रहता था। देखा, अब देखो मैंने कब आराम किया, हम लोग तो क्या बोलेगा, थक गया भाई अभी तरह आराम करेगी। देखो मतलब नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने के लिए उन्हें कितना खुशी था, कितना बड़ा आनंद था प्रियो, कितना बोझ के साथ कार्य किया है। हमारे जीवन में ऐसा बोझ है क्या प्रियो? हमको तो चारपाई तोड़ना आता है, चारपाई भी बोलता है मैं तेरे से परेशान हो गया तो उड़ जाओ इतना चारपाई से प्यार करते हैं प्रियो, हमें ये बात को जानना, प्रभु ने दिया हुआ वो आदर्शों में हमारे में कितने आदर्श है, हमारे गवाही हमको क्यों नहीं है, सच्चा गवाही है, है? हम लोग प्रभु का आदर्शों को अपनाने के लिए उत्साही नहीं। प्रियो प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, वही आदर्श हमारा होना है ना, है? दूसरे के प्रति सेवा करना कितना अनोखा बात है। मरकोस 10:45 का 45 वचन वाला पढ़ने के टाइम पर आत्मा में पड़ेगा तो कैसे नहीं रोएगा प्रियो? ये कौन बोल रहा है ना? मेरा त्रिएक परमेश्वर में स्वर्ग का आनंद का आधार, पिता का गोद में हमेशा पिता को आनंद करवाने वाला वो पुत्र ये दुनिया में आकर के बोलता है मैं ये दुनिया में स्वर्ग छोड़कर क्यों आया, मैं इधरी मैंने कुछ शो करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए आया और तुम्हारे लिए मैं मरने के लिए आया। आप बताओ प्रियो, है ना? पढ़ रहे उसको थोड़ा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टाल दी जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टाल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दें। देखा, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया प्रियो, हमको बचाने के लिए, हमारे लिए सेवा करने के लिए आया। मसीह जीवन यही बात है, मसीह जीवन सिर्फ हमारे लिए सोचने वाला एक जीवन है ही नहीं। अपने जीवन में हमें दूसरों के बारे में, इसी कारण है ना, वो बात के लिए हमें एक आदर्श चाहिए, हमारे भी एक आदर्श चाहिए। प्रेरित पौलुस के जीवन में ऐसे एक आदर्श था, जब माना पाना कुरिंदी उसका 10:33 का 33 वचन पढ़ना, देखा बहुतों का लाभ मैं ढूंढता हूँ, मैं अपना नहीं लाभ ढूंढता, बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। हाँ, ओह कितना बड़ी बात है, दूसरे की उत्तार की निमित्त है बहुतों के लिए विचार करने वाला एक मनोभावना आज हमारा है क्या है? आज अधिकतर विश्वासियों को स्वार्थता है, वो तो अंत समय के एक चिन्ह, विश्वासियों का चिन्ह, वो अपने लिए सिर्फ सोचता, अपने आप को प्यार करने वाला एक समय आ गया। उसका 24 वचन पढ़ना, कोई जैसा देगा 24 वचन, कोई अपनी ही भलाई को नहीं, हाँ, परंतु दूसरे की भलाई को ढूंढे, ढूंढे
देखो ये एक आज्ञा का अनुसार दिया हुआ है, सब अपनी भलाई को ही ढूंढते रहते लोग है। प्रियो हमारे जीवन में एक सच्चा आदर्शमय जीवन बिताना, उसके लिए दाम चुकाने के लिए हम तैयार है क्या है? पौलुस हमेशा कैसे में नाश में जाने वाले एक आत्मा को जीतने के लिए ना इतना सताउट में वो गुजर रहा था, यहूदी लोग उनको इतना सता रहा था, लेकिन उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है। देखो उनका दिल में उनके प्रति कोई नफरत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, वो आत्माओं को भी जीतने के लिए वो हमेशा प्रार्थना कर रहा है। इतना मार्क आने पर भी वो निराश नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोग मानो सिर्फ शो करने में तो वो एक आदर्श का बात नहीं। यीशु मसीह के दिनों में दुनिया में एक बड़ा झूठ था, भक्ति का शिरोमणि बोल करके वेशभक्ति करता था, परंतु उन लोगों की भक्ति को पीछे वालेने के लिए यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला। यीशु मसीह ने उनकी भक्ति को देख करके अपने लोगों को क्या बोला, जब मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय का 1-2 वचन, मत्ती परमेश्वर ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे, वे लोग जो कहता है, क्योंकि वो बराबर कहता है, क्योंकि वो मतलब मोशे की मतलब उस पदवी में बैठा हुआ है, और वो लोग जो कहता है सही कहता है, वो करना मानना, परंतु उनके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनमें वो आदर्श नहीं, उनमें वो पालन करने का गुण नहीं, वो सिर्फ बोलने में है, वो सिर्फ कहते हैं परंतु करते ही नहीं, जीवन में नहीं। देखा यीशु मसीह ये बात बता रहा है। प्रियो आज हमारे जीवन में हम सिर्फ कहने में है या करने में है? ना कहने से पहले करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में एक सच्चा गवाही के जीवन बहुत अनिवार्य है प्रियो, इन दिनों में खास करके है ना, एक सच्चा मसीह जीवन बिताना इस कुटिल पीढ़ी में हम उधार पाए हुए लोगों के लिए बहुत अनिवार्य बात है। क्या बार प्रभु यीशु मसीह पौलुस कुछ लोगों के बारे में कंप्लेन करता है, सुसमाचार सुनाता है उनके बारे में, प्रभु पौलुस भी क्या बोलता है, वही फिलिप्पियों उसका 3:18-19 वचन, क्योंकि बहुत से ऐसी काम चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अभी रो रो कर करता हूँ कि वे अपने अपने चाल चलन से मसीह के दोष के बैरी है, उनका अंत विनाश है, उनकी अंत विनाश है, उनका पेट उनका ईश्वर पेट है। प्रियो बहुत लोग भक्ति को क्या किया, सिर्फ कमाई का साधना बनाया, वो अपने पेट के लिए सोचता, कैसे भी कुछ कमा करके सुखी जीवन बिताना। देखा बहुत दुख के साथ प्रेषित पौलुस यहाँ पर गवाही दे रहे उनके बारे में। प्रियो आज हम चारों तरफ देखेगा तो इस प्रकार की बहुत बड़ा झूठ हमें मिल सकता है, अपने को परखना है आज हमारे जीवन की सेवकाई किस प्रकार है। हमें एक सच्चा सेवकाई को जानना बहुत जरूरी बात है, और हमें एक अच्छा आदर्श बनना है। अभी यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा हुआ शब्दों में हमें जरूर अमल करना चाहिए, है ना। एक सच्चा भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य मत्ती 6:33 वचन आपको मालूम, पहले क्या करना, पहले अरे बात में पहले स्थान किसको है, पहले उसके राज्य और देखा। और आज बहुत लोग ये बात भूल गया, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परखना पड़ेगा, किसी का भी जीवन में धोखा हो सकता है। दुनिया की बातों में अगर हमारा मन भग जाता है तो आपको प्रभु का प्रभु की ओर आपका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए उसी 6 अध्याय का 19-21 तक पढ़ना, मत्ती 6 अध्याय का 19-21 तक, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेर लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। देखा स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए हमें आना चाहिए, स्वर्ग में हमारा धन है तो वहाँ क्या होगा, उसका गुण फायदा क्या होगा मालूम, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी रहेगा, मतलब मन से उस बात पर ध्यान करेगा। एक प्रभु में उधार पाए हुआ हरेक लोगों को ये गुण चाहिए। प्रिय आज हमारा खोज क्या है, हम किस बात की चिंता में रहता है, एक एक लोगों का मतलब अवस्था देखने के टाइम मालूम पड़ता है कि
वो कहीं ऐसा टेंशन चिंता में रहता है दुनिया की बातों में, इसलिए वो प्रभु में आनंद नहीं रह पाता है। जब पड़ोसियों के पत्र तीसरा अध्याय का एक दो वचन बोलता है, देखा अगर आपको ये बात हो अच्छा समझ रहा भाई, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रभु के साथ हो लेने के लिए पिता पुत्र पवित्रमा के नाम से अगर बपतिस्मा लिया है तो आप जिलाया गया, आप बपतिस्मा में जिलाया गया। ऐसा है तो ऐसा लोग क्या करना चाहिए, हाँ देखा स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना, इसका मतलब आनंददा की बात में हमें पहला प्रायोरिटी देना, दुनिया की बात नहीं आनंददा की बात है, उसको खोजो और जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, ध्यान भी उधर ही करो। देखा जिन बातों में ध्यान करना उसका 4:8 फिलिपियों 4:8 नहीं फिलिपियों 4:8 जो बातें सत्य है, हाँ जो जो बात सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है उन पर ध्यान लगाया। हमारा ध्यान कहाँ पर आज, ये एक एक बातें उन बातों पर हमारा ध्यान है कि नहीं, पवित्र लोग परखना चाहिए पियो। एक एक बातें मैं आपको बोलता हूँ एक पेपर में लिख करके उस पर ध्यान करना चाहिए। मेरे दिन भर का ध्यान किसी बात में, इनमें से 8 बात वहां पर लिखा, ये 8 बातों में कोई बात है क्या मेरा ध्यान है, नहीं तो हम प्रभु का लेचे से कितना दूर है। यहां पर मैं बात कहना प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति प्रभु के राज्य की बढ़ाई के लिए आज कितना सुंदर गीत गाया है, हमारे बीच में बहुत आत्मा आना है, कैसे आएगा, सुसमाचार सुनाएगा। तो देखिए सुसमाचार सुनाने में भी प्रेरित पौलुस कैसे आदर्श था, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। सुसमाचार सुनाने में भी प्रेरित पौलुस कैसे आदर्श था, जब पहला तस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 5-8 तक का वचन, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही से वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। क्या क्या बात है, देखिए उन लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार लेकर गया हुआ प्रेरित लोगों को पीछे चलने के लिए थिस्सलुनीकियों की मंडली बहुत उत्साही बना, उनका जीवन उस प्रकार एक आदर्श का जीवन था। आप देखिए प्रियो, है ना, आज सुसमाचार सुनाने के लिए जाने वाला हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना, अपन सुसमाचार सुनाने के टाइम पर वो लोग कोई भी अवस्था में रेख करके प्रभु का महिमा करने के लिए तैयार होंगे क्या, कोई कष्ट तकलीफ आएगा तो उसको सफर करने के लिए तैयार होंगे क्या, है सच्चा समाचार सुनाना, सही प्रकार का सुसमाचार सुनाना, क्योंकि हमको प्रभु के साथ चलना है तो अपने आप को भी इनकार करके सूली लेना है। इसका मतलब सूर्य लिया वो व्यक्ति मृत्यु के लिए नियुक्त व्यक्ति है, किसके लिए, मृत्यु के लिए, ये मृत्यु किसके लिए, मसीह के लिए, किसके लिए, मसीह के लिए, वही उसका बात है। हम लोगों ने कितने लोगों ने जाना, मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हुआ, मैं यीशु मसीह का चेहरा पहनने के लिए तैयार हुआ, तो मेरे को ये काम करना है, मुझे अपने आप को इनकार करके सूली लेना है। वही जीवन प्रेरित पौलुस अपने जीवन में और लोगों के लिए आदर्श दिया, और वो आदर्श को थिस्सलुनीकियों की मंडली कष्ट में भी तैयार हो गया, हम मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है। आज कितने लोग मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है, सूली लिया है कि नहीं, है सूली लिया है तो वो व्यक्ति गवाही दे रहा है
मैं मसीह के लिए इस सूली में मरने के लिए तैयार हूं। जब तक मैं मतलब इसमें चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक मैं इसको लेकर के पीछे चलेगा। कितना बड़ा बात है प्रियो, है ना। एक सुसमाचार सुनाने में भी एक आदर्श चाहिए प्रियो। बोलने का अर्थ क्या है, आपको कहीं जगह पर जाने है तो आपको कोई डांटेगा, कोई निंदा करेगा, बदनाम करेगा, वो सब सहने के लिए खुशी से है हाँ प्रभु तुमको देख लेगा, ऐसे बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं बोल है तुमने हमको है, चलो प्रभु ने बोला है जूता झाड़ दो है, ऐसे नहीं करना है। चलो तो सबसे बड़ी बात है कि वो सब संदर्भ के अनुसार वो बात को समझना है। बड़ी बात हमारे जीवन में आज समाचार सुनाने में हम कैसे आदर्श है ना। मुझे मालूम है जब नासिक मंडली ये भी आरंभ हुआ उस समय में अनेक पवित्र लोगों को लेकर के मैं खूब चलता था और सबको कैसे सुसमाचार सुनाना है ये बात को सिखाया, साथ में लेकर के सिखाया। इसके बाद में फिर झुंड झुंड बोल के भेजते थे जिसको इसमें थोड़ा आगे बढ़ गया और मैंने ये बात को देखा वो लोगों के द्वारा प्रभु कैसा महिमा ले रहे है ना। मुझे मालूम हो गया बहुत अद्भुत प्रकार एक एक झुंड को प्रभु इस्तेमाल कर रहे। मैंने ये भी यकीन किया ये लोग सही प्रकार प्रभु का वचन को संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे, बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार प्रेरित पौलुस भी अपने साथ लोगों को लेकर के उनको अच्छा सुसमाचार सुनाने का ट्रेनिंग दिया। देखा ना फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 12 वचन, ओ प्रभु यीशु ए भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। देखो पवित्र लोगों के जीवन में जो भी बीतता है उसमें सुसमाचार का बढ़ोतरी होता है। मतलब सुसमाचार सुनाने में लोग और भी मतलब तैयार हो जाता, तो सुसमाचार सुनाने में हमको एक आदर्श होना चाहिए ना। मैं आपको कई बार बताया हम लोग बगोर में मतलब अपना कुछ लोग नाम नहीं लेंगे तो मतलब वो लोग हमको पकड़ा गया, उन्होंने पूछा तुमको कौन भेजा, उन्होंने सीधा मेरा नाम बोल दिया। एक्चुअली मैंने भेजा क्या, मैंने नहीं भेजा प्रभु ने भेजा, ऐसा बोलना चाहिए था। फिर उन लोग मेरे नाम से स्टेशन कमांडर को कंप्लेन किया। अभी उसको तो खुद ही मालूम है कि वो तो बताता ही है, मेरे को भी बताया, फिर किसको नहीं बताएगा, मैंने सबको बताया उनको। लेकिन मानव मेरे पीछे सिक्योरिटी भेज दिया, गार्ड भेज दिया, मैं कहाँ कहाँ जाता है मालूम करने के लिए। तो मुझे बुला करके बोला देखो आप मतलब आर्मी के लोगों के बीच में बोलो, सिविल में जाकर के ऐसे मत बोलो, फिर ऐसे ऐसे बात हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा, बहुत कुछ बात हुआ। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें ये बात जानना है कि मतलब उसमें भी एक आदर्श बनना है, हमें एक आदर्श बनना हमारे जीवन में। सुसमाचार की सेवा में भी आदर्श चाहिए, साथ ही साथ जीवन में भी आदर्श चाहिए। प्रेरित पौलुस का जीवन आदर्शमय जीवन था। एक दो बात समय को देख करके बताता हूं। जब दूसरा तेसलोनिकियों उसका तीसरा अध्याय का 7 वचन, दूसरा तेसलोनिकियों तीसरा अध्याय का 7 वचन, क्योंकि तुम आप जानते हो किस रीति से हमारी सी चाल चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। देखा हम तुम्हारे बीच में लेकर के अनुचित चाल नहीं चले। और क्या है कि उन लोगों ने कैसा चाल चला, प्रभु उचित चाल चला था, प्रभु का योग्य चाल चला, मसीह के योग्य चाल चला या सुसमाचार का योग्य चाल चला। आप देखिए और आगे, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई। हाँ मुफ्त में किसी का एक तो भूख लेगा, खाने के टाइम आ गया, चलो एक विश्वासी के घर में जा रहा है तो विश्वासी को भी मालूम हो गया ये प्रभु का दास खाने के लिए आया। ऐसा है अपने बीच में नहीं लेकिन है बहुत बहुत है ऐसा। करेक्ट 1 बजे जाएगा जो हम उनका खाने के टाइम, अभी फिर उन लोगों को बोलना पड़ेगा ना, चलो प्रभु दास आया है तो खाना खा कर जाओ, बोलना पड़ता है ऐसे ऐसे टाइम पर जाएगा वो सावधान प्रियो है। मतलब खाना प्रभु दास को खिलाया तो उसमें कोई मतलब बुरा बात नहीं, आशीष मिलेगा, लेकिन खाने के लिए चलने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं आप लोगों के ज्यादा परिचय नहीं है, आप लोग ये मतलब ये कुआ के बाहर गया है और बहुत कुछ जो देखा इसलिए अपने को मालूम। ओके
तो यहाँ मेरे भरोस कहता है कि हमें कोई कहने के मतलब से हमें मारे सेवा नहीं किया और आगे रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। हाँ प्रियो, भार नहीं दिया, किसी प्रकार का भी बोझ नहीं दिया, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, सेवकाई में जीवन में आदर्श चाहिए। जीवन में अगर आदर्श रहकर के जीवन नहीं बिताता तो वो लोग दूसरे को कैसे बदल सकता, है ना। आप मतलब ऐसा कोई मंडलियों में जाएगा तो मतलब बहुत चकित हो जाएगा, और कोई गलती से कोई प्रभु का दास आ गया तो उसके लिए एक अलग कनेक्शन रहेगा उन लोगों का, क्या ना। इतना लोगों को पूरा पॉकेट भर रखा है, भयंकर बात है। अपने जीवन में हर बात में हमें कैसा चलना है, और उस बोलता है हमने स्वयं काम करते हुए, अभी आपको मालूम है इधर मंडली के शुरुआत का काम हुआ तो अपन काम करते हुए सेवा किया, क्या सुषमा है। जय सिस्टर, देखो हमारा पुराना पार्टनर लोग है, अपन काम करते करते प्रभु का सेवा किया, किसी को किसी प्रकार है कोई तकलीफ बोझ है, तुम लोग कुछ तो करना चाहिए बोल के कभी किसी के ऊपर दबाव डाला है, बहुत बड़ी बात है। पौलुस बोलता है आगे पढ़ना, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श। हाँ देखा, आदर्श का जीवन बिताने के लिए बोलेगा तो ये लोग देगा, लेकिन बोला नहीं, है ना। वही बात पढ़ा था सुनो क्यों, वो किस रीति में ये भावना से किया, वो बात को समझने के लिए पढ़ा था सुनो क्यों दूसरा अध्याय का 9 से 12 बजे। क्योंकि भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। देखा, तुम अपने परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। देखा, किसी विश्वासी को नासिक मंडली के लोग कोई भी बोलेंगे और सेवा शुरू किया तो प्रभु दास ने हमारे ऊपर खिंडलों के हिसाब से बोझ रहेगा, कभी नहीं बोलेगा। इधर का बात नहीं, जहां पर भी सेवा किया वहां पर कोई भी कहीं भी नहीं बोलेगा, तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में जैसा प्रेरित पौलुस उस समय में एक बड़ा आदर्श का जीवन बिता करके मंडली को जिता सका, तो प्रियो आज भी हर बात में आदर्श बनने की सारा प्रयास जिंदगी भर मैंने भी करते आए। अभी आगे बढ़ रहा, तुम आप ही गवाह हो, आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है। देखा, देखो मंडली भी गवाह होना चाहिए, परमेश्वर भी गवाह होना चाहिए। अब आगे, कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है। देखा, मंडली में एक बात है प्रियो, मैं कभी कभी अगर आपको थोड़ा कुछ डांटता भी है तो एक पिता अपने बच्चों को प्यार करने वालों को डांटता, ऐसा डांटे, ऐसे को मैं जोर से डांटा क्या? नहीं डांटा, प्यार से डांटा। कई लोगों को व्यक्तिगत रीति में समझा करके डांटा, लेकिन ऐसा है ना, प्रेरित पौलुस का जीवन हर बात में हमारे लिए आदर्श है, तो इस पीढ़ी में हमें भी एक आदर्श बनना चाहिए। अभी पौलुस यहाँ पर नहीं है, तो उनके जीवन में वो एक बाप के समान, ना कोई भी बात बोलने के टाइम पर बुरा नहीं लेना, एक ही बाप के समान प्यार करके उनके बीच में सेवा किया। सिर्फ बाप के समान नहीं, उसका 7 वजन पड़ेगा तो माँ का सम्मान भी प्यार दिया। इस तरीका है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाया। देखा, तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाया। प्रियो, हर बात में जब हमारे में आदर्श नहीं है ना, हम दूसरे को बोल नहीं सकता। तुम भी एक आदर्श का जीवन बिताओ करके बोलने वालों पे आदर्श नहीं तो उन मन में क्या सोचेगा, उल्टा कुछ बोलेगा नहीं तुम्हें, अरे तुम सुधरो फिर हमको बताओ, बोलेगा मैंने वो खिकड़ा का बात बोल रखा है। मम्मी बोलते मम्मी बच्चों को हमेशा डांटता है कि तुम लोगों को आगे चलना नहीं आता, हमेशा पीछे जाता है। बच्चे लोगों ने बोला मम्मी एक बार आदर्श दिखाओ, एक बार चल कर दिखाओ, हम ऐसे चलेंगे। मम्मी सब बच्चों को इकट्ठा किया, सुन रहे ना ध्यान से,
सब बच्चों में इकट्ठा किया और बोला 1 2 3 कहां गया? पीछे। बच्चे लोग सब तारी बजाए क्योंकि मम्मी ने आदेश दिया। अभी मम्मी बोल सकता? मम्मी नहीं बोल सकता, मम्मी नहीं बोल सकता। जिस बात में आदर्श नहीं है उस बात में कभी भी हम दूसरे को नहीं बोल सकते। और यहां पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन में हमेशा हर बात में सुसमाचार सुनाने में आदर्श, जीवन में आदर्श, सेवकाई में आदर्श, सब बात में आदर्श है। ऐसा आदर्शमय पौलुस अपना प्रिय पुत्र तिमोथियुस को क्या बोला मालूम है ना? पहला तिमोथी 4:12। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपको ऐसा बातें बोलने के लिए मुझको बहुत हिम्मत है, इसलिए मैं मतलब बहुत हिम्मत के साथ आपको बताता है। आप ऐसे करो, करना प्रियो। हाँ पढ़िए। कोई तेरे जवानी को तुच्छ समझ न पाए, पर वचन और चालचलन, वचन चालचलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। देखा, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनकर जीने वाला प्रेषित पौलुस अपना प्रिय विश्वासी बेटा तिमोथियुस को बोलता है तुम उनके लिए इन सारे बातों में आदर्श बनो, आदर्श बनो। क्यों? अब उसका दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 10:11 पढ़ना थोड़ा, क्योंकि ये सब बात है ना, ये सारे बात पौलुस के साथ रह करके तिमोथियुस ने मन देखा और जाना सीखा, बहुत बड़ी बात है। आप परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। तुम मेरा साथ दिया और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। छुड़ा लिया मैंने, इन सारी बात तुम भी देखा, साथ दिया। उन समय में तुम भी मेरे साथ थे। देखो बहुत बड़ी बात है ना भैया, अपने जीवन में ये एक अनोखा बात है ना। हमेशा अपना माला जॉन ब्रदर मेरे साथ रहता था 2 साल है ना, हमारे साथ में नौकरी छोड़ने के बाद, और उन्होंने मेरे जीवन में देखा हुआ बात अपना भी जीवन में उतारा। मैं सुबह 3 बजे उठता है, वो भाई भी 3 बजे उठने लगा, और बात में वो एकदम आदर्श बना, इसलिए सेवा में मतलब बढ़ रहा है। और बहुत बातों में उन्होंने वो बातें सीखा है, दूसरे लोग कुछ भी बात बोलता है तुरंत वो भाई उनको समझाता है, देखो हम उनके साथ 2 साल रह करके उनके जीवन में ये सारे बात सीखा, आप लोग ऐसा बाहर से ऐसा मत बोलो, क्योंकि हम साथ में घर में साथ में रह करके ये बात बड़ी बात है। फिर अपने जीवन में मतलब हमारे साथ रह करके, कई लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते तो भी कमेंट्स बहुत करता है, उनमें कोई सच्चाई बात नहीं, सब झूठी बहाना लेकर के। प्रियो हर एक बातों में मतलब पौलुस दूसरे के लिए हर बात में एक आदर्श देते हुए यीशु मसीह में जो पाया वही बात को जीवन में लाया और उस प्रकार का जीवन बिताया, ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमेशा प्रभु के लिए वो एक ऐसा एक सादा जीवन के लिए चाहत नहीं करता था। आपको सबको मैं हमेशा पढ़ने वाले एक वचन है, दूसरे कुरिन्थियों 12:10 ये चाहत है ना, पवित्र लोगों में होते रहना चाहिए, होना चाहिए, रिमिशन होना चाहिए। देखा मैंने, इसके लिए प्रभु के खाते हमेशा उस भट्टी में रहना पसंद करता था। प्रियो ये कितना अनमोल बात है, यीशु मसीह हमेशा उस प्रकार का अनुभव में जीवन बिताता था। तो हमें भी ये बात को जानना, और इस एक बात में आपको उड़ाकर कहना चाहता हूं ना, प्रभु में जो भी काम करे वो बिना प्रेम का कोई काम नहीं करना है ना। खास करके जब वो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1-3 वचन पढ़ने के टाइम पर वो इस विषय में अपने ऊपर लेकर के एक खास शब्द बोलता है, 3 शब्द वहां पर प्रयोग करता है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं
मतलब मुझे उसका कुछ भी मतलब लाभ का बात छोड़ो, मैं एकदम उसमें शून्य दिख रहा, वहां पर का प्रयोग है शून्य का। आगे और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ देखा, इसको ना यहाँ पर इतना बड़ा काम किया पर तू प्रेम ही नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मतलब एक यहाँ पर बोलता है कि मैं शून्य हूँ और यहाँ पर बोलता है मैं कुछ भी नहीं। और तीसरा बात, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, मुझे कुछ भी लाभ नहीं, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं और मुझे कुछ लाभ नहीं। देखा कब, जब हम प्रेम में ना करें, इसका मतलब क्या है कि हरेक बातों में तो जो दूसरा गुरुदी 5-14 में हमने पढ़ा था प्रभु का प्रेम, उसी का प्रेम मुझे विवेश करता, विवेश करता। देखो हमारा ये जिंदगी एकमात्र जिंदगी है और जो हमने प्रभु में जो प्रेम में जो किया, ध्यान सुनना, जो प्रभु में होकर के प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के जितना जो काम किया उसका हमें प्रयोजन है। आनंददाम आनंददामी प्रभु का काम किया परंतु उस प्रेम में विवेश होकर नहीं किया तो भी उस आनंददा में प्रयोजन नहीं। प्रयोग दो आनंददा है, एक आनंददा प्रभु के साथ है और एक आनंददा नरक में है। ये दो आनंददा साफ प्रभु का वचन पढ़ता है, मैं कौन सी आनंददा की तैयारी में है सचमुच में, है ना। जब मत्ती उसका 25 अध्याय का 41 वचन, मच्छी मत्ती का 25 अध्याय का 41। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखा वो अनंत आग है, क्या है वो भी आनंददा है, आनंद आग। देखा प्रियो उस आनंद काल उस आग में तड़पता रहेगा है। धर्मी जो प्रभु में जो विश्वास करके जो सच्चा दौड़ दौड़ा उसके साथ दानियल 12 का दो, दानियल 12 का दो, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। देखा कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत गिनोने ठहरने के लिए, अत्यंत गिनोने ठहरने के लिए। देखा प्रियो उड़ेगा, उड़ने का टाइम आएगा क्योंकि हमारे यीशु मसीह इस सारे बातों का सबूत है और मसीह लोग ही ये बात को समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर मैं एक ही बात बोल करके एक ही शब्द बढ़ा करके मैं खत्म करूंगा, जो रूट प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए बनाया वो रूट पर चलना, ओवरटेक नहीं करना, वो रूट को नहीं छोड़ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन, प्रभु धन्यवाद, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखा विधि नियम वो जानना बहुत जरूरी बात है, हमारे लिए तैयार किया हुआ उस ट्रक में ही चलना, उस नियमानुसार ही चलना, और ऐसा नहीं है तो वो इनाम नहीं पाएगा। इना पाने लायक हमें दौड़ना है ना। आज हमारे जीवन में सच में थोड़ा फर्क है ना प्रियो, मेरे जीवन का गवाही से एक भी आत्मा को मैंने जीत पाया क्या? मेरे जीवन की गवाही से कुछ लोग प्रभु की सेवा के लिए निकल पाया क्या? है मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई प्रशंसा का बात नहीं प्रियो, मैं पिछली बार भी जब गांव गया था काफी प्रभु के दास लोगों ने मुझे गवाही दिया, आपके जीवन को देख करके हम सेवकाई के लिए निकला। ऐसा बहुत लोग मिलेगा प्रियो, अपने जीवन का उत्साह, अपने जीवन का गवाही बहुत लोगों के लिए प्रोत्साहन बनना चाहिए प्रियो, प्रोत्साहन बनना चाहिए। इस पीढ़ी में भी हम ऐसा जीवन बिताने के लिए एक सच्चा दर्शन नहीं है तो प्रियो हम क्या पाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु हमको क्या बोलेंगे, भले और विश्वासियों के करके प्रभु बोलेंगे क्या?
ये जानना बहुत जरूरी बात है। तो प्रभु को महिमा मिले, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जरूर इस दौड़ का बारे में काफी कुछ प्रकाशन आपको दिया करके मैं आग्रह करता हूँ। प्रियो, ये शुरुआत में ही ये साल में अच्छा दौड़ दौड़ कर हमें वो इनाम पाना है, वो मुकुट पाना है। मुकुट पाने लायक दौड़ना, उसके लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।